तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। मैं आज पाकिस्तान नेवी को इस शिप लिफ्ट एंड ड्राफ्ट ट्रांसफर सिस्टम इसकी इनॉग्रेशन पे आपको मैं आज ख़ास तौर पे मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आगे बढ़ रहे हैं। मैंने इस ओकेजन पे, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें जिस तरह हम आगे बढ़ रहे थे एक वक्त पे, हम उस तेज़ी से अपने पोटेंशियल के ऊपर नहीं पहुँचे। जो पाकिस्तान आज से 50 साल पहले जो उसका पोटेंशियल था, जो दुनिया में जिस तरह हमें देखा जाता था और जिस तरह हम दुनिया को देखते थे, वो जिस ट्रिजेक्ट्री पे पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, मुझे भी और भी मेरी जनरेशन के पाकिस्तानियों को बहुत अफसोस होता है कि हम उस पोटेंशियल पे नहीं पहुंच सके। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि हम बजाय अपने पोटेंशियल के ऊपर एतमाद रखते हुए, अपने पैरों पे खड़े होके अपने जीनियस को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते, हम जो रास्ता खोए हैं, हम एक आसान रास्ते पे चले गए, इंपोर्ट लेड इकॉनमी बन गए, डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया, एड के ऊपर इमदाद, फॉरेन एड के ऊपर एक रिलायंस आ गई, हमने अपनी कुव्वत पहचानी नहीं, क्योंकि जो भी जब भी कोई वसाकियों के ऊपर चलता है तो उसकी अपनी जिस्मानी कुव्वत कमज़ोर हो जाती है। अल्लाह ने इंसान को बनाया ऐसा है कि जितना वो रिजिस्ट करता है उतना ताकत आ जाती है। ये अल्लाह ने इंसान में ये सलाहियत दी है कि अगर मैं एक बड़ा बोझ उठाता रहूं अपने बाजू से, मेरा बाजू मजबूत हो जाएगा, मैं उसको नहीं इस्तेमाल करता वो बिल्कुल सुगड़ जाएगा। तो कौमें भी ऐसे ही होती हैं, कौमें जब अपने पैर पे खड़ी हो जाती हैं और फैसला करती हैं कि वो सब कुछ खुद करेंगी, अल्लाह कौम को मजबूत कर देता है। मैं मदीना की रियासत की इसलिए लोगों को मिसाल देता हूं कि वो दुनिया की तारीख में कैसा मॉडल था, जिस मॉडल के ऊपर एक कम वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, अरबों की हैसियत ही कोई नहीं थी दुनिया में, क्योंकि दो सुपर पावर्स थी। अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो, तो उनकी जो जिंदगी थी, एक तो उनका अपना कैरेक्टर था, जो भी उनके कैरेक्टर के ऊपर चलेगा वो अजीम इंसान बन जाएगा, और जो उन्होंने रियासत कायम की मदीना की वो भी उनकी सुन्नत थी, तो जो रियासत उन प्रिंसिपल्स पे चलेगी वो रियासत एक अजीम बन जाएगी। तो वो रियासत ने हर मुश्किल वक्त गुजारा शुरू में, और कोई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो खत लिखे, एक बेजेंटाइन एम्परर सीजर को और दूसरा पर्शियन एम्परर को 6028 और 6029 में, तो उन्होंने इमदाद नहीं मांगी उनसे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे हालात बहुत बुरे हैं, हमें कर्जे दे दो। उन्होंने अनाउंस किया कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आ रहा हूं दुनिया में, हक का राय हक, चलोगे तो आपका फायदा है, और एक खुददार कौम खड़ी की। और फिर दुनिया की तारीख, ये ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ एक ही पैगंबर का, जिस दिन वो पैदा हुए जिस दिन दुनिया से गए, सिर्फ एक पैगंबर का सारा दुनिया की तारीख में पूरा रिकॉर्ड है, और वो भी रिकॉर्ड है कि वो देखते देखते वो कौम उसने दुनिया की इमामत की। तो मैं आज जो मुझे जो खुशी हो रही है आज यहां कि ये अब फिर से कोशिश हो रही है कि हम अपने पैर पे खड़े हों। ये सिर्फ ये नहीं कि आपने एक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और आप
अब 12 शिप्स को हम कर सकेंगे और 7,400 टन की शिप को शिप लिफ्ट कर सकेंगे। ये एक प्रोग्रेस है, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना मुल्क का पैसा बचाना है। जो आपने कहा कि यही चीज़ें अब बाहर, आई गेस बाहर जाना पड़ता होगा आपको, तो वो जो पाकिस्तान में करेंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारे डॉलर्स बचेंगे और फिर इंशाल्लाह आप ये सर्विसेज औरों को भी देंगे। ये जैसे जैसे डेवलप होगा औरों को भी सर्विसेज देंगे, उससे भी हम पैसे फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान का चैलेंज क्या है? पाकिस्तान एक तो सही रास्ते पर लग गया, अल्लाह का करम है कि हमारा जो इतना बड़ा खसारा था करंट अकाउंट, जिसका मतलब कि डॉलर्स जो पाकिस्तान में आ रहे थे वो कम थे और जो हमारे मुल्क से बाहर जा रहे थे वो ज़्यादा थे, रिकॉर्ड खसारा था, तो वो तो कम से कम पहुंच गया। लेकिन आगे चैलेंज ये है कि जैसे जैसे हमारी इकॉनमी अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो वो प्रेशर पड़ना शुरू हो गया हमारे करंट अकाउंट पर, यानी डॉलर मुल्क से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं बनिस्बत जो मुल्क के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो आपका आज आपने जो किया और इंशाल्लाह ये सर्विसेज आप बेचेंगे आगे, तो इंशाल्लाह इससे भी हम डॉलर्स कमाएंगे। और हमने अब हर वो चीज़ करनी है जो अपनी एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनक्रेज करना है कि वो रिमिटेंसेज बैंकिंग चैनल से भेजें, पैसा भेजें जैसे डॉलर्स पाकिस्तान में आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना है हमने ताकि मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट हो और पैसा बाहर से आए अंदर। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अब। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मतलब कि इस मुल्क से डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और जो हमारा ही नहीं, आम डेवलपिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ भी उनके करप्ट साहिब इकतदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। ये हमारा भी नहीं है, सारी दुनिया जो गरीब मुल्कों का मसला है वो रोकें। और फिर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें। तो ये हमारा डायरेक्शन है इस मुल्क का और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम निकल चले हैं। और आज जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, अमजद नियाज़ी हमारे नियाज़ी हैं, हालांकि मियाँ वाली से नहीं है, होशियारपुर से हैं आप, लेकिन मुझे खुशी सबसे ज़्यादा ये है कि आपने उस तरफ कदम उठाया है और इसलिए मैं आज बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ। और इस इनॉग्रेशन पे मैं अपने वज़ीरों को भी लेके आया हूँ।